बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन से एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करेगा। जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ जो कि स्किन से एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि मेरी खुद की स्किन एक्ने प्रोन है। और तो आज भी ऐसे ही प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, वो है ये क्लिनसी टॉप जेल। इसको लेने का मेरा पर्पस ये था कि इसमें है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। तो मैं हमेशा जब भी मुझे पिंपल हो जाते हैं मैं एक क्लिंडामाइसिन जेल यूज़ करती हूँ, और क्लिंडामाइसिन बहुत सारे जेल्स में क्रीम्स में आता है, और तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये क्लिंडेक ए जेल। पर ये मुझे मिला नहीं तो मैंने ये परचेज़ किया, क्योंकि इसमें भी 1% क्लिंडामाइसिन है, इसमें भी 1% क्लिंडामाइसिन है। तो मैंने सोचा इसको यूज़ करके देखती हूँ, और ये सिर्फ 54 रुपीज़ का है, तो मैंने सोचा एक बार यूज़ कर ही लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाली हूँ कि इसने मेरी स्किन पर कैसे काम किया, कुछ काम किया या नहीं किया, आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है क्लिनसी टॉप जेल, और फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने पिंपल एंड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। ये 20 ग्राम के पैक में आता है। जब मैंने इसको परचेज़ किया तो मैंने सिर्फ ये देखा कि इसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। पर जब बाद में मैंने इसकी कॉम्पोजिशन पर ध्यान दिया तो इसमें 1% क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है, इसके अलावा इसमें पैराबिन्स भी हैं, इसमें जेल बेस है, इसमें कलर भी यूज़ किया गया है रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। तो इसके मैं आपको टेक्स्चर बता देती हूँ, इसका टेक्स्चर वगैरह कैसा है। तो इसका जो टेक्सचर है और कलर है जैसे लैक्टोकैलामाइन होता है वैसा ही है, पिंक कलर है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा तीखी फ्रेग्रेंस है कि अगर आपको तीखी फ्रेग्रेंस सूट नहीं करता है तो उसको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गंदी इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी इसको लगाने का मन नहीं करेगा जिनको भी तीखी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती है। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा के ओवरनाइट आप इसको लगा के रख सकते हैं। दिन में लगाते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए, और आप इसको नाइट में फेस वॉश करने के बाद आप इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं, या फिर जहाँ आपको पिंपल का प्रॉब्लम है आप वहाँ वहाँ इसको लगा सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो 3-4 दिन मैंने इसको यूज़ करके देखा कि आखिर ये मेरे स्किन पे कुछ काम करता है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखी फ्रेग्रेंस है, इसमें कलर भी है। तो अगर आपको ज़्यादा पिंपल हुए हैं तो इसको लगाने का मन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा तीखी है। तो मैंने इसको लगाया तो पिंपल ठीक होना तो दूर, छोटे छोटे से दाने होने लगे मुझे, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा तीखी फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। और इसको लगाने के बाद 1-2 दिन में ही मुझे छोटे छोटे से दाने हो गए, और बिल्कुल लगाने का मन ही नहीं हुआ, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, और फिर से मैं इसको कंटिन्यू करने लगी हूँ, ये जो क्लिंडेक ए जेल है इसको कंटिन्यू करने लगी हूँ। तो बिल्कुल भी आप इसको परचेज़ मत करना ये सोच के कि यार बहुत सस्ता आता है और इसमें क्लिंडामाइसिन है तो आप इसको यूज़ करने लगो, बिल्कुल यूज़ मत करना। मेरे स्किन पे तो इसने काम नहीं किया, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए, पर क्योंकि इसके रिव्यूज़ हर जगह अच्छे हैं तो आप इसको एक बार यूज़ करके देख भी सकते हैं, पर 1-2 दिन ही यूज़ करना। अगर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं तो इसको यूज़ करना बंद कर देना। और जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो अपने एक्ने पिंपल के लिए, तो हमेशा याद रखो कि उसमें उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है, उसमें कोई कलर और फ्रेग्रेंस वगैरह तो यूज़ नहीं की गई है। अगर आप अपने एक्ने को ट्रीट करना चाहते हो, क्लिंडामाइसिन यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको यूज़ कीजिए, इसमें कोई कलर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये क्लिंडेक ए है, इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।